हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज हम बात करेंगे एक और नई मेडिसिन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कमिंग फ्यूचर में आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिरप के बारे में जो OTC भी आपको मिल जाएगी, ओवर दी काउंटर भी मिल जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी आपको मिल जाएगी, एंड काफ़ी सारे डॉक्टर इस सिरप को काफ़ी सालों से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंड आप इस सिरप को यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। डेक्सोरेंज का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, ये सिरप तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में आप जान लीजिए कि ये सिरप क्या करती है, कौन सी कंपनी बनाती है, क्या प्राइसिंग है, क्या यूजेस हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं इस बारे में। तो डेक्सोरेंज सिरप को जो मैन्युफैक्चर करती है वो फ्रेंको इंडिया फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंको इंडिया फार्मास्यूटिकल इसकी मैन्युफैक्चरर है, इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है फ्रेंको इंडिया, एंड इसकी जो कीमत है वो 159 रुपये इसकी एक बॉटल की कीमत है। इसकी जो एक बॉटल है 200 ml की बॉटल आती है, उस बॉटल की कीमत 159 रुपये इसकी कीमत है। काफ़ी जगह आपको ये 145 रुपये MRP पे भी मिल जाएगी, एंड आप इसमें डिस्काउंट की बात करेंगे तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफ़ी रिटेल फार्मास्यूटिकल फार्मेसी स्टोर वाले जो होते हैं वो उसमें डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो ये आपको बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाएगी। अब हम डिटेल में जानते हैं कि ये करती क्या है। सो बेसिकली ये बॉडी में आयरन की कमी, यानी बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है और जब एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो ये उस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि काफ़ी लोगों में ये होता है कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है एंड आयरन की कमी होने के कारण उनको एनीमिया हो जाता है या फिर हुबवर्म हो जाता है या फिर और भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो हो जाते हैं। तो उस केस में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भी इसको देते हैं। इसके अलावा जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं फीमेल, तो उस केस में भी उनको एनीमिया ना हो जाए उस केस में भी ये सिरप दी जाती है। तो इसमें विटामिन B12 होता है एंड जो फॉलिक एसिड होते हैं, इन दोनों की कमी को ये सिरप पूरा करते हैं। अब इसमें होता क्या है, एनीमिया में होता क्या है? तो एनीमिया में होता ये है कि जो ब्लड है हमारा, उस ब्लड में जो लाल रक्त कोशिका हैं RBC जो हैं, उनकी संख्या की कमी होने लगती है। तो जब उनकी संख्या की कमी होती है तो उस केस में हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं उन ऑर्गन में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती तो उस केस में बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये सिरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड इसके अलावा आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के से संबंधित और भी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी इसको दिया जाता है। एंड कुछ डॉक्टर इसको भूख की कमी के कारण भी देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको बताया जाता है कि आप डेक्सोरेंज सिरप लीजिए। उसके अलावा आपको कमजोरी है या फिर थकान है या फिर सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो उस केस में भी डेक्सोरेंज सिरप को दिया जाता है। एंड इसके अलावा ये बच्चों को भी दिया जाता है, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं प्रॉपर तरीके से या जो कुपोषण के शिकार होते हैं तो उस केस में भी ये सिरप दी जाती है। अब इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है, इस केस में क्या क्या ड्रग होती है, क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें आयरन होता है 160 mg में। इसके अलावा विटामिन B12 होता है 7.5 mcg में। उसके अलावा विटामिन B9 होता है 0.5 mg में। उसके अलावा इसमें अल्कोहल होता है 0.87 मिलीलीटर में। तो इसमें तीन होते हैं, आयरन, विटामिन B12, विटामिन B9, उसके अलावा अल्कोहल। एंड अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये किन किन केसेस में दी जाती है। सबसे पहले तो ये एनीमिया के उपचार में दी जाती है। उसके अलावा भूख में कमी होती है, जिन लोगों की भूख नहीं लगती उनको दी जाती है। जिन लोगों में बेसिक कमजोरी होती है या फिर जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है उस केस में दी जाती है। उसके अलावा सर्जरी करने के बाद आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ये दी जाती है। इसके अलावा एक स्पेशल रूप में फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग होती है उस केस में ये दी जाती है। उसके अलावा बच्चों को दी जाती है, जिससे बच्चे इस सिरप को लेकर जो उनको कुपोषण का इशू है, खाने का इशू है, वो दूर हो जाए। तो इन सारे केसेस में डॉक्टर डेक्सोरेंज सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के लिए किसी डॉक्टर को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज उसके कोई बेसिक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उस केस में भी अगर आपको कभी लगता है कि इसको पीने के बाद आपको ज़्यादा इशू हो रहा है
तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है तो उस केस में भी आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर कर लें, बिकॉज कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस वीडियो का आप रिव्यू चाहते हैं, तो कमिंग फ्यूचर में मैं उस वीडियो का भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।